तो देखा आपने, हमारे साहबजादे पूरी की पूरी रेत में भरे हुए हैं। एंड आप लोगों ने देखा होगा, दिस इज सच अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल व्यू, सच अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्लेस। हम गोवा और महाराष्ट्र के बॉर्डर में हैं एंड यहाँ पे ये शिरोडा बीच है जहाँ पे हम हैं। आपने देखा ही होगा, हम हमारे मौसी के फार्म हाउस में गए थे, वहाँ पे हम मिले एंड दिस इज़ द प्लेस विच इज़ अराउंड दिस प्लेस। एंड ये बीच इतना इतना क्लीन है कि मतलब पानी नीचे ना बिल्कुल रेत, एकदम सफ़ेद रेत दिख रही है नीचे, पानी इतना क्लियर, ना एक कोई प्लास्टिक की चीज़, ना कोई गंदगी, एंड सच लवली पीपल। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे भी पाइन ट्रीज हैं एंड सच अ फीलिंग, सच अ लवली फीलिंग, एक सुकून है नो, एक ऐसे लगता है कि हम कहाँ जन्नत में आ गए, कहाँ एक शांति है, एक सुकून है, एंड इट्स सच अ वंडरफुल फीलिंग। आप लोग ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, हम और भी बहुत सारी जगह पे जाने वाले हैं। कल सुबह सुबह हम करेंगे स्कूबा डाइविंग, डीप सी डाइविंग एंड और सारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो करने वाले हैं, बहुत धमाल करने वाले हैं। प्लीज़ बने रहिए, सी यू। इतना बीच पे खेलने के बाद में, इतना पानी में खेलने के बाद भी इनका मन भरा नहीं है, अयान स्टिल वॉन्ट्स टू गो इन द वाटर। तो हम अभी वापस होटल जा रहे हैं, वहाँ पे स्विमिंग करेंगे एंड वी विल कीप यू पोस्टेड। सुबह का नाश्ता अभी सिर्फ 11 बजे हैं एंड ऐसा लग रहा है कि हमने कितनी सारी चीज़ें कर ली, कितना अच्छा फीलिंग हो रहा है। दिस फीलिंग इज़ यू नो समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड, जो नॉर्मली हम शहरों के लोग इसको फील नहीं कर पाते या देख नहीं पाते। दिस इज़ समथिंग वेरी वंडरफुल। आप देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए एंड वी विल टेक यू टू द होटल।